नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अली खान है और आप देख रहे हैं मल्टी केयर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन के बारे में, जिसे हम मोबाइल में इंस्टॉल करके हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसे मैं खुद यूज करता हूँ। अगर किसी भी आपको लैंग्वेज को अगर आपको ट्रांसलेट करना है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो टाइप करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको उसे मोबाइल में फ़ोटो खींचना है, बस, और कुछ नहीं करना। इवन आप मोबाइल में फ़ोटो भी नहीं खींचेंगे, आप लाइव अगर उसे मोबाइल पे से देखेंगे कैमरा ओपन करके, तो वो आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करके दिखा देगा, चाहे वो इंग्लिश से हिंदी हो, चाइनीज से हिंदी हो, या जापानीज से हिंदी हो। कोई सा भी लैंग्वेज को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है, किस कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने मोबाइल में। ये मेरा मोबाइल है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं पासवर्ड से ओपन कर लेता हूँ पहले इसे। मैं अपने मोबाइल में पासवर्ड रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्ले स्टोर खोलेंगे। वेयर इज प्ले स्टोर, ये रहा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है फ्रेंड्स। गूगल ट्रांसलेट, ये रहा आइकन, इस टाइप का आइकन होता है इसका। आपको बस ये आइकन देख के इंस्टॉल करना है। इसमें 100 मिलियंस लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, इसकी रेटिंग भी अच्छी खासी है, 4.4। तो अब देख सकते हैं, मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो ये आप अपडेटिंग के लिए आ रहा है। मैं इसे अपडेट नहीं करूँगा और मैं यहाँ जाके सीधा ओपन करता हूँ उसे। मैं देखता हूँ गूगल ट्रांसलेट कहाँ पे है। ये रहा ट्रांसलेट। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है। आप देख सकते हैं, इसे मैं यहाँ कर लूँ। आप देख सकते हैं इंग्लिश से हिंदी में करना है, तो आपको यहाँ से टाइप करके आप इसे डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। अगर आपको और भी दूसरे लैंग्वेज से करना है, जैसे अरेबिक से हिंदी करना है, या फिर अरेबिक से इंग्लिश करना है, या हिंदी से इंग्लिश करना है, तो आपको यहाँ से चूज़ करके उधर से इधर करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तो तरीका है कि यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ DOG, डॉग, ये डायरेक्टली इसे कन्वर्ट कर दिया हिंदी में, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो तरीका ये हो गया कि आप टाइप करके कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है दोस्तों, ये देखिए, आप यहाँ पे कैमरे का ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप कैमरा खोलते हैं तो क्या होता है, ये आप देखिए। तो मैं अब कैमरे को खोलता हूँ और अपने मोबाइल को मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। अब जैसे कैमरे को खोलेंगे, ये कैमरा खुल के आ गया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा यहाँ पे मल्टी केयर लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन जब मैंने कैमरा खोला तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हिंदी में लिख के दिखा रहा है, ये बहु देखभाल। एक्चुअली इसका मीनिंग मुझे भी नहीं पता था कि ये होता है। एक्चुअली मुझे पता था, लेकिन ऐसा मैंने एक्सपेक्ट ही किया था कि ऐसे लिख के दिखाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कैसे ये ट्रांसलेट करता है। तो आप इसे किसी भी चीज़ से, आप ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर के मॉनिटर से ही कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बुक है, मैं आपको बुक का दिखाता हूँ। इसका अलाइनमेंट आपको सही करना होगा। ये देखिए, अभी ये मेरे हाथ से थोड़ा थोड़ा ये शेक हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। मैं इसे स्टेबल करता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये कैसे इंग्लिश बुक को सीधे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना यूजफुल हो सकता है हमारे लिए। और मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने गूगल क्रोम पे एक बायोग्राफी मैंने खोल के रखा है। आप देख सकते हैं, ये है, ये महात्मा गांधी का बायोग्राफी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कैसे इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है बिल्कुल, ना ही तो किसी चीज़ को टाइप किया मैंने, ना ही तो और कुछ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इससे आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन लॉक हो गया, मैं दोबारा से ऑन करता हूँ इसे। ये ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी लाता रहूँगा दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।